चलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद अब यहाँ से देख के मौसी जी लाग चुकी है हमारे लिए गर्मा गर्म चावल। मस्त भाई, देखो कालू नहीं होने दे रहा। कालू 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 रुक जा कालू, हम अपने ही हैं। चलिए जी दोस्तों, अब हम जो ना बातपुर में पहुंच चुके हैं, यानी जो ना बरहेलनी में भी पहुंच चुके हैं, और अब जो है हम जा रहे हैं मीरा मौसी के यहाँ, मैं और मम्मी। राधे राधे, जय श्री राम। करते नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। ओहो दगड़ियों नमस्कार, पहला नए दिन की नए शुरुआत के साथ गोपाल कांडपा ब्लॉग में इस खूबसूरत से शहर हल्द्वानी से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, मस्त स्वस्थ हूँ। तो अगर फिर से आज हमारा जो है ना ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाला है, और मैं और आज मम्मी जी जो जाने वाले हैं मौसी जी के यहाँ, कुछ काम पड़ चुका है थोड़ी बहुत, बता मम्मी जी की ना तबीयत खराब हो रही है, तो उस वजह से भी हम जो है बाजपुर जा रहे हैं। कम से कम हमारा जो ट्रैवलिंग होने वाला है एक घंटे का रास्ता होने वाला है, और अभी जो है मम्मी जी और पापा जी रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मम्मी जी ने और पापा जी ने रोड क्रॉस कर लिया, और जो है मैं रोड क्रॉस करता हूँ। यहीं की बात की जाए तो यह भी हमारे रूम के बगल में जो है माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। कम से कम मुझे 3 से 4 दिन यहाँ आए हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है मैंने माँ वैष्णो देवी के दर्शन नहीं किए हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों, जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता है तब तक आप कितनी ही कोशिश कर लो नहीं जा सकते। मेरे बगल में होने के बावजूद भी मैं अभी तक जा नहीं पाया हूँ। चलिए जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बरहेली में, और बरहेली आकर बहुत ही प्यारा नज़ारा जो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है पूरा जो है मैदानी इलाका है, और फिर एक बार देख के इधर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा मैदानी इलाका है। अब हम जो ना बाजपुर में पहुंच चुके हैं, यानी जो ना बरहेलनी में भी पहुंच चुके हैं, और अब जो है हम जा रहे हैं मीरा मौसी के यहाँ, मैं और मम्मी जो है जा रहे हैं। और रास्ते में हमें चलते चलते जो है यहाँ पे इतना बढ़िया नज़ारा देखने को मिल रहा है, गेहूँ के खेतों का पूरा जो ना मैदानी इलाका है, और जो खेत है ना बहुत ही प्यारे हैं। एक बार आप उनका नज़ारा लें। क्यों मम्मी? लहराती फसल है, कहीं पर हरियाली हरी हरी फसल गेहूँ की, और कहीं पर जो ना पूरे गेहूँ पक चुके हैं। एक बार आप उन्हें देखिए। पहाड़ों में गेहूँ नहीं हो रखे हैं, तो ये ऐसा कोई मानो मैदानी इलाकों में गेहूँ हो रखे हैं, तो यहाँ से हमारे को ना खाने के लिए गेहूँ मिल जाएंगे राशन के रूप में। कैसा है? तो ये शुक्र मना सकते हैं हम कि जो ना मैदानी इलाकों में यानी शहरों में जो है गेहूँ हो रहे हैं, पहाड़ों में तो ये जंगली जानवर होने नहीं दे रहे हैं। कैसा है? और बाकी बारिश वर्ष हो नहीं रही है, तो यहाँ तो थोड़ी बहुत सिंचाई करने के बाद जो ना हो जाते हैं, और पहाड़ी इलाकों में वर्षा पर बारिश पर ही जो है निर्भर रहते हैं किसान। तो यहाँ पर जो है सिंचाई हो सकती है आराम से। तो यहाँ पर इतना बड़ा इलाका है ना भाई, देखने में अलग ही आनंद आ रहा है। तो दोस्तों, हमारे स्वागत पे ना मौसी जी के यहाँ पर देखो कुत्ते, आज का हमारा कालू। कालू भाई देखो, कालू नहीं होने दे रहा। कालू 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 रुक जा कालू, हम अपने ही हैं। अपने ही हैं कालू हम। समझ गया, कालू बोल रहा है अपने ही है। समझ गया दोस्तों, देखो तो ना कुत्ते भी बहुत समझदार होते हैं भाई, कि खुशबू से ही समझ जाते हैं कि अपने हैं बड़े हैं। बताओ। चलिए जी दोस्तों, अभी जो है मौसी जी के यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और चलते अंदर एंटर करते, जो ताई जी तो अंदर चली चुकी है, और मैं भी जो है अंदर चलता हूँ और सबसे मुलाकात कराते हैं। चलिए जी दोस्तों, अम्मा जी का भी फेस रिवील कर लेते हैं। ये देखिए, और जो अम्मा जी हमारे लिए ना पानी लेके आ चुके हैं स्वागत पे। ये देखिए, अब तो ना पानी भी पी लेते हैं। कैसी हो अम्मा? मस्त मस्त
चलिए दोस्तों, तो यहाँ पहुँचने के बाद अब यहाँ से मैं देखिए मौसी जी लाग चुकी है हमारे लिए गर्मा गर्म चावल दे के साथ में जो है ना सैलेड भी है खीरा के रूप में। ये देखिए तो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो फटाफट भूख भी लगी है और फटाफट से जो ना दिन का लंच जो है आज मौसी के ही घर पे ही हो रहा है। चलिए जी दोस्तों, हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं मौसा जी हमारे साथ। कैसे हो मौसा जी? बढ़िया। तो मौसा जी हम यहाँ पर आए थे, तो मौसा जी जो तो काम ही करने में थे घर का, और अभी खाली हो रहे हैं और अभी जो है हमारे साथ साथ देने के लिए खाना खाने आ चुके हैं। और यही रहा हमारा प्यार सा मुन्ना सा भाई। कैसे हो भाई? अच्छा। बढ़िया मस्त। खाना नहीं खाओगे? आओ फिर हमारे साथ खा लो। चलिए जी दोस्तों, धीरे धीरे जो है ना मौसी जी सब के लिए ला चुकी है खाना, और यहाँ पर भी मम्मी जी, और ये रहे मौसा जी, और धीरे धीरे जो सभी लोग आ चुके खाना खाने। देखो अपने लिए भी ला चुके मौसी जी खाना, और यहीं पर जो है हमारी दादी वो भी खा रही है खाना। तो अभी हमारे प्यारे से छोटे मोटे भाई बहन, ये देखिए कैसे हो सभी लोग? कैसे हो गुंजन आप? मस्त। तो सभी लोग ना मिलकर के पूरा परिवार एक साथ खाना खाते हैं अभी। कैसा है मम्मी? तो अभी देख रहे, मैंने तो शुरुआत कर ही ली थी, तो धीरे धीरे सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं खाने खाने के। तो चलिए जी दोस्तों, अब जो खाना पीना करने के बाद, थोड़ी देर आराम करने के बाद, अब जो है हम मौसी जी के घर से निकलने लग चुके हैं, क्योंकि अब हमें जो ना घर पे काम भी है, यानी हमें थोड़ा थोड़ी बहुत कोर्स के बारे में पता करना जाना था, इसलिए हमें जो जाना पड़ रहा है। तो एक बार चलते चलते मौसी जी से आपको मिला देते हैं, कैसा है? चलिए। वो ये रही हमारी मौसी जी, और मौसी जी का आशीर्वाद भी लेते हैं और फिर निकलते हैं घर की ओर, कैसा है? और ये रही मेरी बहन। चलिए जी, चलिए जी दोस्तों, यहाँ तक हमें मौसा जी छोड़ने के लिए आए थे जो है ना सड़क तक, और मौसा जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। कैसे मौसा जी? तो चलते चलते मौसा जी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर मिलते हैं मौसा जी। ओके बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है। बज चुके हैं 6, और हम जो थे के घर, तो थोड़ी देर आराम कर लिया था, और अभी जो है छत पर आ रखा हूँ ब्लॉग अपलोड करने के लिए कल का। और यहीं पर जो छत पर मेरा जो ना हल्द्वानी का सब, यह है मेरा जो हल्द्वानी का फर्स्ट दोस्त यही बना था हल्द्वानी में, छोटा भाई हमारा। कुछ बोलोगे? बोलो। ये हम तट पे हैं अभी, और सनसेट देखो, सनसेट देखो अभी आप यहाँ का कैसा तगड़ा वाला सनसेट हो रुका है दोस्तों। ये देखिए सामने कितना प्यारा सनसेट हो चुका है, लेकिन इस बोट की वजह से कुछ सनसेट दिख नहीं पा रहा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा जो है ना सनसेट हो चुका सामने, और सामने की नज़ारों की बात की जाए तो देखो रोड पर जो है ना बहुत ही सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं भाई, ट्रैफिक कभी भी नहीं रुकता यहाँ, चलती रहती है गाड़ियाँ। और सामने की बात की जाए तो सामने में आरा मशीन के सामने अभी जो है आग जला दी गई है, जो वेस्टेड सामान था यानी जो वेस्टेड लकड़ियाँ वगैरह थी उनमें आग जला दी गई है। ये देखिए और सामने की बात की जाए तो सामने देखिए जो है ना बेलपत्री के पेड़ पे कितने सारे फलार रखे हैं, और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ से कितना प्यारा नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए, और यहाँ पर हल्के हल्के ना जो पहाड़ भी यहाँ पर दिखने को मिल जाते हैं पहाड़ों की तरह। ये देखिए, ओ दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा भी जो ना जाम लग चुका है। ये देखिए भाई, जिनके पास स्कूटी बाइक वगैरह है वो तो बच के निकल जा रहे हैं।
भैया नीचे से भैया जी मैं रिस्पॉन्स दे रहे हैं पूरा अपना, उन्हें समझ आ गया कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। दोस्तों जिस आइसक्रीम को खाने के साथ पिछले आधे घंटे से जो ना इधर उधर नाच रहे थे तो वो आखिरकार हमें मिली गई और हम घर पहुंच कर उसे खा रहे हैं। ये देखिए मम्मी जी ने अपना दांत तोड़ा इसलिए हमें आज आइसक्रीम खाने का मौका मिल रहा है।